आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ अपने साथ बहावलपुर के तंदूरी रेस्टोरेंट में। यहाँ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैंने यहाँ क्या कुछ खाया, और इन लोगों का एक कैफ़े भी है जिसका नाम है विक्टोरिया कैफ़े। यहाँ पे हाई टी भी होती है, उसके सारे टाइमिंग्स वगैरह यहाँ पर लिखे हैं। अगर आपने नहीं पढ़े तो मैं आपको बताती हूँ कि 1 बजे से लेके 5 बजे तक शाम। इंडोर काफ़ी मुझे अच्छा लगा, ये सारा एरिया वही है जहाँ पर आप हाई टी कर सकते हैं। इनका मेन्यू मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, एड्रेस भी लिखा हुआ है, वो भी आप लोग नोट कर सकते हैं। इन सब के अलावा यहाँ पर आप लोगों को कॉन्टिनेंटल भी मिलेगा, इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर तंदूरी भी मिलेगा। और मैंने यहाँ पर जो ट्राई किया वो एक हमने हांडी ट्राई की थी, साथ में हमने ट्राई किया था स्टफ्ड चिकन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले ही आप लोगों को बताती हूँ, स्टफ्ड चिकन ये लोग पाइनएप्पल सॉस के साथ सर्व करते हैं, लेकिन उससे पहले ये होम डिलीवरी भी देते हैं। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इनकी तारीफ़ें सारी कर देती हूँ। डेकोर मैंने आपको इनका दिखा दिया, उसके बाद हम दोबारा थोड़ा बाहर गए थे विक्टोरिया कैफ़े, और उससे अंदर आके रात शाम हो गई थी, तो मैंने कहा मैं वो भी आप लोगों को थोड़ा सा इसका व्यू दिखा दूँ कि शाम को लाइट्स में ही कितना प्यारा और अच्छा लगता है। तो ये आ गया जी मेरा स्टफ्ड चिकन विद पाइनएप्पल सॉस, और फ्राइज़ जो थे वो भी हैं। ये आ गई जी इनकी हांडी, चिकन हांडी हमने इनकी सिंपल ट्राई की थी, उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन स्टफ्ड चिकन अनफॉर्चुनेटली ना उसमें स्टफ्ड कुछ था, और उन्होंने हालांकि कहा भी मुझे कि हम लोग फ्रेश बनाते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, और मुझे कस्टर्ड लग रहा था ये। सो मुझे स्टफ्ड चिकन तो पसंद नहीं आया, लेकिन हांडी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सो ये है मेरा रिव्यू, नान भी फ्रेश थे, हर चीज़ अच्छी थी, और कैंस ये लोग सर्व करते हैं। बिल हम लोगों का तकरीबन 2000 करीब बन चुका था, स्टफ़ चिकन इनका 1000 रुपीज़ का है। सो आई होप आप लोगों को मेरी तरफ से तो रिव्यू मिल गया होगा। अगर आप लोगों को भी यहाँ कुछ अच्छा ट्राई आप लोगों ने किया है तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय।